जिंदगी रोशनी से भर जाए, बारिशें हों वहां पे खुशियों की, जिस तरह पाप की नजर जाए। अमृतों की शांति उद्बोधन के लिए असीम सानिध्य के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सम्मानित जीडी सर। एक बार सर का जोरदार तालियों से डाइस की ओर स्वागत। कला अभिव्यक्ति और नवाचार ज्ञानोत्सव की इस अवसर पर आज संस्थान के प्राचार्य सम्मानी नीलम जी, हमारे सहयोगी जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नी अली जी, हमारे सहयोगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार जी, वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक कुमार जी, उपस्थित सभी अन्य सम्मानित प्रधानाचार्यगण, सभी सम्मानित शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं बहने एवं प्यारे प्रशिक्षुगण, आज हम इस नवाचार की विधा जो आप लोगों ने प्रदर्शित किया है उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है। देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई है। बच्चों के द्वारा जो भी बनाया गया है या आपके स्तर से नई नई विधाओं से शिक्षण कार्य प्रदान करने के लिए जो भी टीएलएम निर्माण किया गया है बहुत ही उपयोगी है और एक नई विधा का जन्म देती है। हमारे बच्चों में तमाम प्रकार की प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को पहचानने की आप में कला है। मैं यही अपेक्षा करूँगा कि आप उन प्रतिभाओं को पहचानें और उनको आगे बढ़ाएँ। जो हम नवाचार की बात करते हैं, नवाचार किसी भी नए कार्य करने की केवल विधि नहीं है, किसी नए काम को नए तरीके से करना ही नवाचार आएगा। आज हमारा समाज और मनुष्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा पर भी पड़ता है और उसके अनुकूल शिक्षा को बनाए रखने के लिए ही हमें नवाचार करने की आवश्यकता होती है। हम जिन विधाओं को स्थापित विधाओं से पहले शिक्षण अधिगम या अन्य प्रक्रिया से पढ़ाने का कार्य करते थे उनके स्थान पर किसी नवीन तकनीकी से बच्चों को पढ़ाने की जो विधा को खोजते हैं वही हम नवाचार की बात करते हैं। जैसे हम लोग को याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को चाहे ककारा गिनाना रहता हो पढ़ाना होता था या एक दो की गिनती या पहाड़े जो पढ़ाने के होते थे, शायद वो प्राइमरी पाठशालाओं में वो चीज़ें नहीं चलती, हम लोग को राउंड में बैठाल दिया जाता था, एक बच्चा उच्च स्वर में बोलता था उसी को हम लोग दोहराते थे। शायद ये विधा पुरानी हो गई और हम लोग नए तकनीकी तमाम प्रकार के मॉडल्स बना करके बच्चों को उसी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, इसी को हम नवाचार कहते हैं। और आप लोगों में वो क्षमताएं हैं, आने वाले दिनों में जिन हिसाब से हमारा समय परिवर्तन हो रहा है आप सभी पढ़ाने की विधा में नए नई तकनीक ला रहे हैं जिसे बच्चों को समझने में सीखने में काफ़ी मदद मिल रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको हैं कि आप इस विधा को हमेशा बढ़ाते रहे और उसमें नई नई खोज करके बच्चों को आगे उनके ज्ञानवर्धन करते रहिए। जितनी नई चीज़ें आप लाते जाएंगे समय परिवर्तन के अनुसार उसी हिसाब से बच्चों की उत्सुकता भी उसको सीखने में बनी रहेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत साधुवाद।